हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में। तो गाइस हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ नौका कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। तो गाइस आपने हमारी पिछली वीडियो को दिया था खूब सारा प्यार, तो हम लेके आ गए हैं पार्ट 2 ऑफ चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। तो गाइस हम बनाने वाले हैं एक ही डिश दो दो वेरिएंट में, एक वेरिएंट होगा चीप और एक वेरिएंट होगा एक्सपेंसिव। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो का शुरू। तो जो हमने डिश बनानी है ना वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगी हमारी किस्मत। तो जल्दी से अपनी अपनी पर्ची निकाल कर देखते कौन सी डिश किसकी किस्मत में है। देखो ना पहली निकाली थी, चार लड़कियां ने काम कर लिया उसने। मेरे को आई है भाई साहब अंग्रेजों वाली फेवरेट डिश। होए होए मेरी किस्मत में आया पिज्जा। क्या बात है, अपने अपने डिश छुपन छुपाई में एक दूसरे को हम करते हैं ठप्पा। मैं बना रही हूँ सस्ते वाला गोल गप्पा। वैसा वैसे सस्ता है या महंगा है बनना वो सेम तरीके से ही है। नहीं यार, सस्ते और महंगे गोलगप्पे में एक चीज का फर्क होता है, एक उसकी फिलिंग का और दूसरा पानी का। पर जो मेन गोलगप्पा है वो सेम का सेम ही रहेगा ना, सेम ही रहता है, ये सबके लिए सेम है। गौर से देखो इस गोलगप्पे को, नासा वाले भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये फ्लैट सी चीज तेल में जाते ही गोल कैसे हो जाती है। सबसे पहले हम गोल गप्पों को तलेंगे और इनको बनाएंगे हम गोल। क्या बात है, इतनी जल्दी सो क्विक। ये तो हुसैन बोल से भी ज्यादा तेज है। मुक्ति मैं सच्ची कह रहा हूँ, तू ना एक्सपोर्ट है, तू बड़ी गोलगप्पे बनाने के लिए तू रेडी खोल ले। इसके अंदर तो ना फिफ्थ क्लास का बच्चा भी गोलगप्पे डाल दे रहा है, वो भी गोल हो गए निकले। कई बार गोलगप्पे बनते हुए ना एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपका गोलगप्पा कुछ इस प्रकार का निकल सकता है। तो इसको आप ये मत समझना कि ये वेस्ट हो चुका हुआ है, इसको आप गोलगप्पे तैयार होने के बाद दूसरा स्टेप है हमारा पानी की प्रिपरेशन। तो पानी बनाने के लिए ना हमें चाहिए बिल्कुल सस्ती चीजें। एक तो चाहिए हमें बना बनाया जलजीरा पाउडर। गोलगप्पे तो चलो बेसिक है, हर जगह मिल जाते हैं। मेन जो चीज है ना जो टेस्ट देती है वो होता है जलजीरा। भाई साहब जिस रेड़ी का जलजीरा सबसे ज्यादा स्वाद, उसके सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे ज्यादा गोलगप्पे उसी के दिखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पानी, पहले हम कॉन्सेंट्रेट तैयार करेंगे, उसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जलजीरा। ये जाता है सारा कुछ अंदाजे से। अगर तुझे ज्यादा स्वाद और स्पाइसी चाहिए तो मसाला ज्यादा जाने दे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। सब कुछ अंदाजे के साथ जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है कि हो क्या रहा है। मास्टर पीस तभी तैयार होते हैं जब सारी चीजें अंदाजे से जाती है। बात होगी जब मम्मी से पूछते हैं आप चाय कैसे बनाते हो, मम्मी बोलती है अंदाजे से। अंदाजे से कभी सुने कि एक परफेक्ट चाय की रेसिपी क्या है? कोई रेसिपी नहीं है। मसाले वगैरह कूटो अंदाजे से, डालो दूध अंदाजे से, चीनी अंदाजे से, चाय पत्ती अंदाजे से, दैट इज द मास्टर पीस। तो मैं इसके अंदर दो नींबू डाल रही हूं। इमली की चटनी तो मुझे बनानी नहीं आती, तो खट्टा करने के लिए नींबू इज द ओनली ऑप्शन। अब थोड़ा सा डालो इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा हरा मिंट। मुक्ति ने मिंट वर्ड पता क्यों यूज किया? इसको ये नहीं पता कि ये पुदीना है। ये वो लोग होते हैं जिनको बब्बी भेजती है दलिया लेने के लिए और पुदीना उठा के ले आते हैं। ये जो जलजीरा है ना इसका मजा तब आता है जब हो ये बिल्कुल चिल्ड, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो इसके अंदर डालो खूब सारी बर्फ, मतलब जब है रेडी वाला काम। जब तक स्पेल ना हो ना पता नहीं लगता रेडी वाला काम है। तो पसीने वाले हाथ से भी गोलगप्पे खाने में मजा बड़ा, उसी में तो टेस्ट आता है भाई साहब। खून पसीने की मेहनत होती है लोगों की, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। खून कई बार गिर जाता है, पसीना यहाँ से आ जाता है। तो ये जलजीरे का पानी मुक्ति ने कर दिया तैयार और मेरा सच्ची मेरा मन कर रहा है बस और रोक ले उसको। ये पानी तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसके अंदर नहीं डलती बूंदी। वैसे बूंदी का कोई फ्लेवर आता नहीं है पर ऊपर तैरती है अच्छी बड़ी लगती है। जब मैं बाद में भैया बोलते ना पानी डाल दो, मैं ये बोलते भैया थोड़ी बूंदी थोड़ी ज्यादा डाल दे। देख के पता लग रहा है कि स्वाद चीज बनाई है मुक्ति ने। वैसे एक्सपेक्टेशन है नहीं है बट चलो दिल रखने के लिए कह रहा हूँ लग रहा है स्वाद है। ये जो उबले हुए आलू है ना ये हम यूज करेंगे फिलिंग के लिए, कुछ नहीं करना। आपने डालना थोड़ा सा प्याज डाल दो, उबले हुए चने डाल दो, आलू ले लो, नमक नमक डालो और ये हमारी बन जाएगी फिलिंग। अगर तुमने कभी महंगे गोलगप्पे खाए ना तो नोटिस क्या होगा कि उसके अंदर आलू की फिलिंग नहीं होती, उसके अंदर होती है स्प्राउट्स। मैंने खाए नहीं कभी महंगे गोलगप्पे भाई साहब, 10 रुपए से ज्यादा वाले गोलगप्पे मैं ना खाता हूँ ना मुझे खाने हैं, ना हजम होते हैं, ना मेरी औकात है खाने की। अब इसको जो मर्जी बोल लो बट मुझे कहीं एंगल से लगता नहीं कि गोलगप्पे के अंदर स्प्राउट अच्छे लगेंगे। तूने महंगे गोलगप्पे खाए होंगे उसमें तूने स्प्राउट भी खाए होंगे, मेरे बस का नहीं है भाई ये। और यार वैसे बात बताऊं जो देसी आलू का स्वाद होता है ना वो स्प्राउट्स में आएगा नहीं आएगा वो भी बना के पता चलेगा। पर एक चीज है यार, मतलब सस्ते वाले में मेहनत ज्यादा है, इसमें बस स्प्राउट्स। पॉइंट, सस्ते वाले में भैया आलू उबाल रहे हैं फिर उसे पीस रहे हैं फिर उसमें मसाले डाल रहे हैं, चने डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं। सच्ची में ये क्या है, इसको ज्यादा खा लो तो पेट दर्द हो जाता है। इसको बोलते हैं अमीरों के चोचले। तो मैंने इसके अंदर डाला है सिर्फ नमक। अब मैं बताऊंगी इसको पानी कैसे प्रिपेयर करना है। महंगे वाले गोलगप्पों में ना नॉर्मल पानी नहीं मिलता, वहां पे मिलता है फ्रूट वाला पानी जैसे कि पाइनएप्पल वाटर, पोमोग्रेनेट, गुआवा जूस। अरे रुक 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 होती है, रुक 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 रुक, गोलगप्पे बना रहे हैं गोलगप्पे, स्पेलिंग भी आते हैं पोमोग्रेनेट के। पोमोग्रेनेट ऐसी
पॉन्डिचेरी कैसे बोलते हैं? पॉन्डिचेरी। ये वो लोग हैं जो गोवा वाला जोक नहीं पढ़ते थे बचपन में कि आपकी फेवरेट कैपिटल कौन सी है, बोलता था तिरुवनंतपुरम। फिर वो स्पेलिंग पूछती थी टीचर। ये वो बच्ची है गोवा गोवा। तो ये है तीन फ्लेवर, पाइनएप्पल, गुआवा और पोमग्रेनेट। आदित्य आधा आधा गिलास भर दे। इसे कहते हैं नॉन इंजीनियर लोग। अब बता दो इंजीनियर लोग जूस कैसे डालते हैं, ये देखो जी। ये होती है असली। नहीं, कमेंट करके बता दो किसका तरीका ज्यादा सेक्सी है। मेरा मेरा तरीका गजब का है भाई साहब, गजब। अब बारी आ गई जूसों के अंदर जलजीरा डालने की। भाई साहब जलजीरा तो डालना बनता है। मतलब घूम फिर के ना पूरी दुनिया का चक्कर मार के तो घर पे ही आ गई है। मतलब घूम फिर के आई किस पे? जलजीरे पाउडर पे। तो नहीं यार, ये अच्छा फ्यूजन टेस्ट देगा इसको। एक गोलगप्पे वाली फीलिंग और साथ में जूस का फ्लेवर। बिल्कुल, मतलब देखा जाए ये मीठे से जूस को थोड़ा सा स्पाइसी बना दिया गया है और साथ में फ्लेवर भी दे दिया। भाई साहब ऐसे मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। मैं कहता हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डाल दे। लाल मिर्च का नहीं, मिर्चे मजा आ जाएगा मिर्चे खा के। काला नमक जरूर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। वैसे जो माँ होती है ना उसको अपना बच्चा सुंदर ही लगता है, तो वैसे ही हाल तेरा, तुझे लग रहा है अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, सच्ची में अच्छा होगा। इन बच्चों में ना थोड़ा थोड़ा पानी मिला दे क्योंकि तेरे बच्चे गाढ़े बहुत हो गए हैं। पानी मत डालो इसको, टेस्ट करने में टाइम है, बर्फ डाल दो। तब तक चिल्ड हो जाएंगे मजा। और एक चीज जो इसके अंदर भी मिसिंग है वो है हमारी मिल्क। यार फ्लेवर देना है ना तो ये इम्पोर्टेंट। ये गोलगप्पे ना हम बाद में ट्राई करेंगे। अब बारी आ चुकी है आदित्य गौतम की बर्गर बनाने की। भाई साहब बारी आ गई है मेरे ढिंचैक बर्गर की। मतलब देखते हो कितना ज्यादा प्यार है इसको ढिंचैक से। मतलब अपनी डिशेस के अंदर उसका नाम ले ही लेता है। मैं पहले बनाऊंगा चीप वाला बर्गर। अच्छा। और ये लाइटर है वैसे, अगर मैं इसको किसी को कुंग फू की तरह यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये स्पेशल लाइटर है भैया। क्या आग लगवानी है? मेरी गलती नहीं है, लाइटर की गलती है। लाइटर की गलती नहीं है, वो लाइटर पड़ा है यूज करने के लिए, यू करने के लिए नहीं पड़ा। भाई सच्ची बोलूं मुझे ऐसा लग रहा तू बर्गर नहीं बना रहा, तू बनाने लगा सैलेड। इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स। मैंने पता क्या किया, मैंने दिमाग चलाया, मैंने सोचा कि मैं सारी चीजें सामने रख लूं अपने। एक तो बनाने में आसानी होगी, ऊपर से आपको बताने में भी आसानी होगी। पहले हम अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमें देसी बर्गर की टिक्की के लिए चाहिए, गैस करो। आलू। वाह बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। उबले हुए आलू ले लिए, इसको करेंगे हम पीस पीस। ये है सस्ता बर्गर, चीप बर्गर। तो हम ओरिगैनो मार्केट से नहीं खरीद के लाएंगे। हमने जो पिछले साल पिज्जा ऑर्डर किया था उसके चुराए हुए ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्च जो कि जरूरी है देसी बर्गर के अंदर, करारापन जो है ना वो मस्ट है। हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालने लगा जो कि टिक्की को बनाएगा क्रंची। ये है चावल का आटा, तो चावल के आटे से ना इसको क्रंचीनेस मिलेगी। अगली बार आप आलू की टिक्की घर पे बनाओ ना, चाहे नॉर्मल टिक्की जो आप टिक्की खाते हो वो भी बनाओ, तो इस चावल का आटा डाल के ट्राई जरूर करना। ये तो मैं थोड़ी सियाणी बात की है, मतलब इतना मुझे तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चावल का आटा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक। मेरे ख्याल तुम्हारे घर पे ना चिट्टा नमक खत्म हो गया, तभी हर चीज में काला नमक डाल रहे हो। सारे राज नमकों को बता दो। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आती, पहली बात तो चलो इस नमक में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, और दूसरी चीज ये काला है भी नहीं है, इसका नाम काला क्यों है? पता नहीं, हम तो इसको काली बोलते हैं, असली में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक्चुअल में ना जिस बंदे ने इसका नाम रखा है वो कलर ब्लाइंड रहेगा। अब इसको हमने एक तरह से आटे की तरह गूंद लिया है। मुझे ये लगा तूने आटा ही गूंदा है। अगली बार रोटियां तेरे से बनवाएंगे। नौकरी दिलवा दो भाई। हां बढ़िया, दिलवा दो एज अ शेफ। शेफ नहीं, ढाबे पे तुझे हेड कुक की नौकरी देंगे। ढाबे पे कौन सा हेड कुक होता है पहले बताओ। मैं तो जिस ढाबे पे जाता हूं सब गालियां दे रहे होते हैं, बस वो हेड कुक होते हैं, सब हेड कुक होते हैं। ये हमारी टिक्की ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, तेल हो गया हमारा गरम। अब हम इसको गरम गरम तेल में तलेंगे क्योंकि देसी बर्गर में हेल्दी अनहेल्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नहीं 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 बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ओए होए 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 टिक्की बहुत ही शानदार और क्रंची लग रही है देख के। मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी टिक्की। वो जो फ्रोजन टिक्की होती है ना उससे ज्यादा अच्छी लग रही है यार। फ्रोजन टिक्की ना सच्ची बताऊं हम लोग ले तो लेते हैं बट वो बात बनती नहीं है फ्रोजन टिक्की में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी पेशी तो होती है। कमी पेशी होती है। अब बारी आ गई है अपने बर्गर के बन को तलने की क्योंकि हम बना रहे देसी बर्गर, तो कहीं ना कहीं रेडी वाला टच तो देना पड़ेगा। तो हमने ना बर्गर का जो बन है सिर्फ बाहर से उसको क्रंचीनेस देनी है,
फिर हम इसको निकाल लेंगे कोई ऐसे प्रॉपर, हमने इसको कुक नहीं करना। अब इसको एक थोड़ा सा काम हमने और करना है, टिश्यू पेपर से थोड़ा सा पोंछ लेना है, क्योंकि वो रेडी वाले ऐसे करते हैं, मैंने देखा है उनको करते हैं, वो थोड़ा सा ना ऑयल निकाल लेते हैं, पता नहीं क्यों निकालते हैं, बाद में वही अपने सिर पे लगाते हैं तभी उनके बाल इतने अच्छे होते हैं। ओंकार की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने इसमें से निकाल दिया एक्सेस ऑफ ऑयल, जो कि मुझे लग नहीं रहा ज्यादा है इसमें। अब इसको हम इस देहाती चाकू से काटेंगे। क्या बात है, क्या बात है, और सच्ची में बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा नहीं है तेल अंदर चला गया हुआ है, सिर्फ बार बार से क्रंची रहा है यार। कभी घमंड नहीं किया अपनी काबिलियत पे ना। पहले हम इसमें लगाएंगे अपनी स्पेशल हरी चटनी घर पे बनाएंगे। अब इस 8 पीस के ऊपर जाएगी थोड़ी सी टोमेटो केचप, वैसे तो जो रेडी वाले होते हैं ना उसके ऊपर जाती कद्दू वाली सॉस। कद्दू वाली सॉस ना हमें मिली ना हमें पता कहाँ से मिलती है, तो पॉइंट तो सारा ये है। 5-star होटल की जो डिशेस बनती है ना उसको देख के ऐसे मुंह में पानी नहीं आता, जो रेडी में चीजें बनती है वो देख के। ये जो लोग इस बात से एग्री करते हैं ना कमेंट करके बता दो, कमेंट छोड़ो, वीडियो को लाइक ही कर दो, काम सौखा गया आपका। अब इसमें हम डालेंगे अपनी अमेजिंग टिक्की भाई साहब। अब हम इसमें रखेंगे प्याज, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी पत्ता गोभी। अब मैं इसमें ना थोड़ी सी और हरी चटनी डालूंगा। अब भाई साहब लास्ट फिनिशिंग टच, चंकी चाट मसाला। भैया रेडी वाले भैया आप अगर ये वीडियो देख रहे हो हमें आपकी याद आ चुकी। ओए होए होए होए, देख के कौन नहीं बता सकता कि ये देसी बर्गर नहीं है। मुझे क्या पता कौन नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता भाई साहब, ऐसा लग रहा है सच्ची में देसी बर्गर है। अब हम बनाएंगे अपना एक्सपेंसिव बर्गर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और एक्सपेंसिव बर्गर की जो टिक्की है ना वो भी काफी लजीज और बढ़िया होनी चाहिए, तो टिक्की हम बना रहे हैं अपने पनीर की। वैसे वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन कितनी कम है ना, अगर चीज सस्ती बनानी है तो आलू, मैगी बनानी है तो पनीर। नॉन वेजिटेरियन और महंगा करना चाहता है तो वो चिकन ब्रेस्ट ले सकता है, मटन ले सकता है, पता नहीं क्या क्या ले सकता है। तो अभी हम लेंगे पनीर का टुकड़ा, इस बार हम इसको प्रॉपर बैटर में लबेड़ के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के फिर हम इसको तलेंगे। मतलब पूरा महंगी वाला महंगे बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब महंगे को और महंगा बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए मैदा, थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें, पानी, और इसको धीरे धीरे हम घोल बना देंगे इसका हम। तो इसमें दो चीजें मैं भूल गया हूँ डालनी, जो कि मेरे को याद रखनी चाहिए थी। इसमें हमने डालना है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। क्या बात है, पूरा लिप लिपा सा लेप उसने तैयार कर लिया है, जो काम करेगा लाइक वेरी कॉल। अब देखो भाई जोड़ने हैं। अब देखो ये हमने अपनी टिक्की पनीर का पीस इसमें डाल देना है और इसको फिर हमने पलट देना है। इसको लेप को पनीर की टिक्की पे लगाने के बाद हमने इसको डालना है ब्रेड क्रम्स में। ये तो और भी ज्यादा क्रंची बना देगा। मुझे लग रहा है आलू की टिक्की से ज्यादा स्वाद ये होने वाली है ना। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही स्वाद होती है, पिछली बार हमने सस्ती चीज ज्यादा बेटर कर दी थी। महंगी चीज स्वाद होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत बड़ी फेमस है, बड़ी दुकान फीका पकवान, वो कहीं ना कहीं सही भी है। तो आदित्य ने डाल दिया मक्खन पैन के अंदर, अभी ये डाल इसके अंदर टिक्की डालेगा। टिक्की डालेंगे और भाई साहब बटर जो मैंने लिया है ना, बटर मैंने लिया गार्लिक वाला, क्योंकि इसका ना फ्लेवर अलग ही आता है टिक्की में। ये बेस्ट मक्खन है, मतलब अगर मक्खन यूज करना तो ये वाला करना चाहिए। ओए होए होए होए, क्या गार्लिक की खुशबू आ रही है ना इसमें, मजा ही आ गया जिंदगी का। तो पनीर वाली टिक्की हो गई हमारी रेडी और इतनी क्रिस्पी लग रही है ना भाई साहब देखने में ये। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग सेरेमनी। मैं पहली बता दूं ये बर्गर उस वाले बर्गर से कम से कम 4 गुना महंगा है। ओए होए होए, ये ज्यादा सानी से कट रहा है उससे। सॉफ्ट है वो, बेसिकली वो हमने तला भी हुआ था ना, वो क्रंची था। ये हमने तला नहीं हुआ। इसमें हम डालेंगे बहुत ही जरूरी भूत श्रीराचा सॉस, थोड़ी सी देसी तंदूरी सॉस डालनी तो भाई साहब बनती है बर्गर में, क्योंकि वो देसी फ्लेवर जो आता है ना तंदूरी का, जैसे कि देसी बर्गर में किसी भी तरह का चीज नहीं डालते, ज्यादातर मेयोनीज जलती है। इसमें हम डालने वाले चेडार चीज, वो भी एज्ड। अब इसमें हम डालेंगे पनीर की सुंदर सी बनाई हुई हमारी टिक्की, इस पे हम रखेंगे छोटा सा प्याज, छोटा सा टमाटर। क्या तुमने सब्जियां तो सारी सस्ती वाली यूज की, तेरा महंगा कैसे वो बर्गर? अरे बेटा सब्जी पड़ी है महंगी वाली देखो। तो भाई साहब ये जो लेटस है ना, ये है रेड लीफ लेटस, बड़ी हैरानी की बात है, मैंने ये पहली बार देखी। मैंने सोचा यार बर्गर में ये यूज करेंगे, मुझे सच्ची में नहीं पता इसका टेस्ट अच्छा होता है कि बुरा होता है। ओए होए होए होए, सुंदरता ही बहुत है, जितना चीज डालो कम है। तो हम इसमें अमूल के चीज स्लाइस भी डालेंगे। ओए होए 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 होए, देखो भाई साहब बर्गर की शक्ल, इतनी सुंदर बर्गर की शक्ल है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए अवन में रखूंगा कि थोड़ा सा चीज स्लाइस मेल्ट हो जाए और ये और स्वाद लगे। तो अब बनाने की बारी आ गई है ओंकार का अमेजिंग पिज्जा। तो मुक्ति ने चीज बनाई जो थी गुड, आदित्य ने चीज बनाई जो थी बेटर, अब बनने वाली है चीज जो होगी बेस्ट। भाई साहब ट्रेंड सेटर पिज्जा बनाने लगा हूं मैं, ट्रेंड सेटर। सबसे पहले तो बनाएंगे हम देसी वाला पिज्जा, जो स्ट्रीट पे मिलता है ना वो वाली चीज।
तो उसके लिए लेके आए हम देसी वाले पिज्जा बेस जो मिलते हैं 20 रुपए का पैकेट 25 रुपए का पैकेट। इसके ऊपर जाएगी देसी वाली पिज्जा पास्ता सॉस, डालने को हम टोमेटो केचप भी डाल सकते थे बिल्कुल देसी बनाने के लिए, बट हमें स्वाद बनाना है। सस्ता है इसका मतलब ये देखिए अच्छा दही होगा। कभी भी पिज्जा बना रहे हो ना आपको उसको ज्यादा डेकोरेटिवली दिखाना चाहिए, जितना ज्यादा अगली पिज्जा उतना ज्यादा बढ़िया पिज्जा, मेरा तो यही मानना है क्योंकि मेरे साथ सुंदर बनते ही नहीं है। अब इसके ऊपर जाएगी देसी देसी सब्जियां जिसके अंदर है हरी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये चॉप कर दिए हुए हमने। अब इसके ऊपर आएगी चीज, और सच्ची बोलू ये ना हमने जिंदगी में एक बार ही खरीदी है ये दो मिक्सचर वाली मोज़रेला और चेडार का मिक्सचर, बहुत ही बेकार चीज है मतलब कभी भी ये और सस्ता था काफी इसलिए हमने लिया है। इतना इजी था ये सिंपल सी रेसिपी, अब बस इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगैनो डालेंगे वो हम बाद में भी डाल सकते हैं। बस पिज्जा बन गया, बन गया सो क्विक इट इज। अब बनाएंगे महंगे वाला पिज्जा जिसमें इतनी ज्यादा चीजें जाएगी, इतनी ज्यादा चीजें जाएगी, आप सच्ची बोलोगे भाई साहब ये तो ट्रेंड सेटर पिज्जा है। तो जो महंगे वाले पिज्जा बेस है ना वो हम लेके हैं दो प्रकार के, एक तो है ये जो कि कहने के अनुसार हेल्दी है पर कितना हेल्दी है वो मुझे पता नहीं, और एक ये भाई साहब देखने में तो मुझे लग रहा था ये थिन क्रस्ट पिज्जा बेस है बट नहीं, ये है पीटा ब्रेड। तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि पीटा ब्रेड कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे खाई जाती है, पर इसको ऐसे मैं थिन क्रस्ट पिज्जा बनाने की कोशिश करूंगा। होए 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 भाई साहब ये जो महंगे वाला पिज्जा बेस है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, वो जो फ्रेश बेकरी से लेके आया ना वो तो सॉफ्ट था ही बट ये तो भाई साहब अजीब सा ही है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर ना पॉन्ड्स क्रीम डाली हुई है, बुगली बुगली बुश कर लो इसको। और इसके साथ जो हम सॉस यूज करेंगे ना वो भी हम महंगे वाले लेके आए हैं, ये कोई अपना इंडियन है जिसने इंडिया में कंपनी नहीं शुरू करी, बाहर जाके इसने शुरू किया, नाम है उसका रघु। ओए खोलते वक्त ही पटाका बोल पड़ा है इसका, और ये पतली है काफी लिक्विड है, ये लिक्विड है मुझे लग रहा है पिज्जा सॉस की जगह पे ना तुम टोमेटो सॉस उठा ले हो, मैं कुछ और ही चीज है ये सच्ची बहुत ही पतली है। अब इसके अंदर जाएगी महंगी महंगी सब्जियां, तो ये है जी पीली और लाल वाली शिमला मिर्च, अब इसके ऊपर जाएंगे जी मशरूम, अब जी इसके ऊपर जाएगी थोड़ी थोड़ी सी जुगनी पंजाबी वाली जुगनी, अब ना थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए मतलब उस वाली सॉस पे तो मुझे एतबार है नहीं है, तो थोड़ा सा अपने एतबार लायक करने के लिए स्पाइसी वाली सॉस को मैं डाल दूंगा। अब इसको थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर जाएगी तंदूरी मेयो, अब इसके ऊपर जाएगा पीरी पीरी पनीर, मतलब नॉर्मल पनीर नहीं यूज करना हमने। अब बारी आती है चीज की, तो ये जो चीज है ना भाई साहब अपने औकात से बाहर जाके लेके आया हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये डालनी कैसे है। ओए होए ओए होए होए यार इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है, कुछ कुछ ये सॉसेज जैसा नहीं है, सच्ची में सॉसेज जैसा, ये एक्चुअली है मोज़रेला, इसको ना ऐसे पतला पतला काटा जाएगा, ये जाएगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे। वैसे तो ये पिज्जा बहुत ज्यादा महंगा बन चुका हुआ है, इसको थोड़ा सा और महंगा करने के लिए और महंगी चीज डाल रहे हैं इस पे। ओए होए होए भाई साहब मुझे ना सच्ची में इस वाले पिज्जा से एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, और मुझे ओंकार से ये एक्सपेक्टेशन पहले ही थी कि ये डबल चीज तो डालेगा डालेगा, मतलब एक चीज के लिए डाल चुका है उसके ऊपर महंगे वाला चीज एक और रगड़। अब इसको ओवन में रखते हैं और करते हैं गरम, और तब तक करते हैं मुक्ति के गोलगप्पे ट्राई। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम मुक्ति के अमेजिंग गोलगप्पों के साथ। भाई साहब इस गोलगप्पों को अगर कोई नाम होता ना वो होता छोटी के गोलगप्पे। पहले हम टेस्ट करेंगे देसी वाला पानी। हाँ, सही बात है। और मैं बनाती हूँ, रुको पकड़ो ये। मसाला भी जो है ना लाजवाब तैयार किया है मैडम ने, मतलब आलू प्याज और चने। यार वैसे ना काफी लोगों ने ना शायद ट्राई ना किया हो प्याज। हाँ प्याज इतना स्वाद लगता है, मैंने ना कहीं पे खाया था पंजाब में, मैंने कहीं गोलगप्पे खाए थे, उन्होंने प्याज डाला था, इतना टेस्टी प्याज एक्चुअली ना उसको थोड़ा क्रंचीनेस और दे देता है जो अंदर अच्छी लगती है। मतलब गोलगप्पे तो बनाए इसने गजब के। कैसे बने अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबसे अच्छी चीज पता क्या लग रही है, पानी एकदम ठंडा है। हाँ चिल्ड पानी है, थोड़ी सी मिर्ची कम है। हाँ। और स्पाइसी हो सकता था ये पानी, बट ओवरऑल मैं इसको मतलब ये पूरी प्लेट में अकेला खत्म कर सकता हूँ, इतने स्वाद तो है ये ऐसे गोलगप्पे जिन लोगों को स्पाइसी ज्यादा नहीं पसंद होता ना, जो कहते हैं भैया थोड़ा इसको कम तीखा रखना। हाँ। वैसे वाले हैं पर खट्टा बहुत अच्छा है, खट्टा अच्छा है, पर हम उनमें से जो कहते हैं भैया तीखा वाणी पूरा कर दो। मैं इसको दूंगा 9 नंबर, एक नंबर मैं काटूंगा स्पाइसीनेस ना होने की वजह से, मैं दूंगा इसको 8 नंबर। पता है क्यों? जो बढ़िया स्ट्रीट वाले गोलगप्पे होते हैं ना उसमें दो पानी की वैरायटी होती है, तो इसमें वो थोड़ा रह गया। मुझे सबसे अच्छा लगता है इमली खट्टे वाला पानी।
खट्टे वाला अच्छा होता है, पर एंड में गोलगप्पे खाने के बाद जो मजा आता है ना भैया, पानी देना मीठे वाला, उसमें जवाब एंड घाल बात वाली फीलिंग। जितने भी लोग है ना जो गोलगप्पे खाने के बाद भैया से मांगते हैं मीठे वाला पानी, भाई साहब वो तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ना ये मुझे लगता है ये रीति रिवाज है कि अगर आपने गोलगप्पे खाए तो पानी मांगना तो बनता ही बनता है यार। इस हिसाब से अगर लाइक आने लगे ना, सीरियसली बता रही हूं, 1,00,000 लाइक इजीली हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अरे 2,00,000 हो जाएंगे, हमारी पूरी विकी फैमिली 2,00,000 लाइक कर दो इस वीडियो पे, नजारा आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा, मजा ही आ जाएगा। कर दो ठोक दो लाइक, कर दो कर दो कर दो, रीति रिवाज पूरे कर दो। भाई सब प्रेजेंटेशन तो ऐसी कि 5-star वाले भी फेल हो जाए। सही बात है, प्रेजेंटेशन के नंबर मुक्ति के 10/10। अब टेस्ट करके देखते हैं कि कितना अच्छा है। सही बात है, मुझे खुद डाउट है इसको लेके। तो सबसे पहले जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है पाइनएप्पल वाला पानी। डाउट डाल दे, वैसे इस वाले महंगे गोलगप्पे पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है यार। मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज जो लग रही है वो है स्प्राउट। सच्ची में डालने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, बट फिर भी यार देखना चाहिए कि कैसे लगेंगे। चीयर्स। चीयर्स। पानी बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक चीज बोलूं, सच में स्प्राउट्स डिसअपॉइंटिंग है। ये आलू और चने डाल के साथ में ये वाला पानी, भाई साहब सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये पानी। इसके अंदर जो जलजीरा मसाला डाल दिया हुआ है ना, अच्छा लग रहा है यार। मैं तो कह रही हूं शरबत छोड़ो, ये पीना शुरू कर दो। नेक्स्ट टाइम आप गोलगप्पे बनाओ ना, तो थोड़ा बहुत ये रियल के जूस लाके ना उसमें जलजीरा बनाना, मजा आ जाएगा जिंदगी का, फ्लेवर ही बदल जाएगा। ये स्प्राउट्स ने डिसअपॉइंट किया, पर इसने तो यार एनहांस कर दिया, ये तो ज्यादा ही नंबर लेगा। बहुत तो आप ट्राई करते हैं पोमेग्रेनेट जूस, पर मैं यार स्प्राउट्स के साथ नहीं ट्राई करूंगा, आलू के साथ करेंगे ट्राई। आलू के साथ करेंगे। ओए होए होए, लाल लाल खून वाला पानी, मेरे भी डाल, मेरे भी डाल, मेरी ड्रेस खराब हो गई भाई साहब। गजब फुल नंबर है इसके। और जो मुक्ति ने मिंट डाला है ना, उसका टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है। सच्ची में ऐसे वाले जो पानी है ना, वो आप घर पे बना सकते हो और अपने गोलगप्पों के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पाइनएप्पल बहुत बढ़िया, अनार वाला और भी ज्यादा बढ़िया। अब गुआवा वाला टेस्ट करते हैं यार। मुझे इन महंगे वाले गोलगप्पे से जरा ही उम्मीद नहीं थी, मुझे स्प्राउट के साथ तो सच्ची में बहुत बेकार लगे थे। ठीक है ये अच्छा है, पर वो जो पाइनएप्पल और प्रोमोग्रेनेट है ना, उन्हें लेवल सेट कर दिया हुआ है भाई साहब। अगर आपने गोल गप्पे सिर्फ जलजीरे में पिए ना, एक बार घर में ये फ्लेवर ट्राई करके जरूर देखो, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल मस्त ट्राई है। है ये भी जलजीरा ही है पर फ्लेवर के साथ। अब ट्राई करते हैं आदित्य का बर्गर, विच विल बी बेटर आई थिंक। यार सच्ची बात है, ये जो देसी चीज को देख के मुंह में पानी आता है ना, सही बात है, वो मतलब मैगी चीजों को देख के। और ये ना मैंने प्रॉपर देसी टेक्निक से बनाया, तला हुआ बन, तली हुई टिक्की और चटनी भी अंदर वही डाली जो अपने भैया डालते हैं, और काटा भी उसने वैसे ही है भाई साहब। तुझे पता दिया वो कॉलेज के बाद रेडी लगाता रहा इसकी भी। यार सीरियसली बताओ, खुशबू ना सीरियसली जो 10 रुपए वाला बर्गर मिलता है ना रेडी से, बिल्कुल वैसी खुशबू है बिल्कुल। अब टेस्ट कैसे दो पकड़ो, इधर टेस्ट भी वैसे ही है भाई साहब। नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया, नॉस्टैल्जिक। मुझे अपने आप से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कसम से। ये ना बहुत ज्यादा स्वाद बना, एक हल्की सी कमी जो है ना वो मैं बताता हूँ आपको, क्या कद्दू वाली सॉस नहीं है इसके अंदर। अगर कद्दू वाली सॉस होती ना, बिल्कुल वही वाला लगता, पर अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मुझे कद्दू वाली ना सॉस से अच्छी लगती है, पर ये सीरियसली ये बहुत अच्छा है। इसको तो 10 में से 10 नंबर है सच में, मैं 10 में से 15 नंबर दे रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भैया से खरीद के लाए हैं रेडी से। इतना अच्छा बनेगा मैंने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया। ये बर्गर बन रहा था ना, वो टिक्की को देख के मेरी ना एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई सेट हो चुकी है। तो भाई साहब इसके अंदर डली है महंगी वाली लेटस, लेटस पहली महंगी होती है, इसमें उससे भी महंगी वाली डली है, साथ में तंदूरी वाली इसके अंदर सॉस डाली है भाई। ओए होए 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 होए, तो भाई साहब बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ये, तो ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं कैसा बना है। छा गया तो स्पाइसी मजेदार, मतलब पहले ही बोल दो 10 में से 10 नंबर वाली है ये भी, मतलब लेवल ही अलग है। वो जो मैं नॉस्टैल्जिक मोमेंट वाली चीज थी जो कि आपको स्ट्रीट पे मिलती है, पर ये बहुत ही स्वाद बर्गर है। मेरे ख्याल ये मैकडोनल्ड KFC सारा से बेटर है। ओए होए, और टिक्की बनाने का जो मैंने तरीका यूज किया है वो सच्ची में कामयाब हुआ है, और स्पाइसी क्रंची टिक्की बनी है एकदम। और यार जो तंदूरी सॉस है ना उसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, तंदूरी का साथ में वो स्पाइसी वाली सॉस का दोनों का कॉम्बिनेशन। यार ये चीज जो सच्ची घर में बनाने वाली है, मतलब मुक्ति के गोलगप्पे में जो अच्छी चीज थी वो था पानी, हाँ फ्लेवर वाला प्रोमोग्रेनेट और पाइनएप्पल बहुत टेस्टी, और तेरे दोनों बर्गर जो है ना स्पाइसी स्पाइसी बहुत अच्छे। अब आने वाली है ट्रेंड सेटर वाली बारी, ओंकार का पिज्जा। चेक दिस ब्यूटी, जमा स्ट्रीट स्टाइल देसी पिज्जा, मतलब वो जो वो दिखते नहीं है
बाजार में आप जाते हो घूमने और उन्होंने बर्गर रखा होता है एक साइड पे पिज्जा रखा होता है, वो वाला फील आ रहा है। मैंने बनाया ही उस फील को देख के है, बट ये लिटरली बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेसिपी हो सकती है अगर ये स्वाद हुआ तो। बहुत ज्यादा क्विक थी ये बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया, बेस 2 मिनट भी नहीं लगे भाई साहब। बेस पे सॉस लगाई, सब्जियां डाली, चीज डाली, दे अवन में। सच में यार एक बार खुद चेक करो इसको, आय हाय आय हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है सच में। गजब गजब, हां हां हां, ओह गम स्ट्रीट स्टाइल देसी पिज्जा होता है बेस्ट वाला, वैसा है बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा है जो स्ट्रीट स्टाइल पिज्जा का आता है, जो कि बहुत अच्छे वाला होता है, बहुत अच्छे नॉर्मल वाला। और वैसे सच्ची बताऊं कई महंगी जगहों पे भी ना ऐसा ही पिज्जे का टेस्ट मैंने देखा है। हाँ मतलब मिलता है हाँ। मैं एक हाई लेवल का सबसे स्वाद वाला जिसके पास बहुत ज्यादा रश होता है ना रेडी वाले पिज्जे के पास, वैसा पिज्जा है, बट बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ मैं इसको दूंगी 10 में से 8 नंबर। अच्छा पता नहीं कुत्ते का बर्गर खा के वो एक लेवल का सेट हो चुका है। मैं भी इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, थोड़ा सा स्पाइसी और हो सकता था, इससे मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी, बट अब जो आपको नेक्स्ट पिज्जा दिखाने वाले हैं ना उसमें तो मैं कह रहा हूँ 10 में से 20 नंबर आएंगे पक्का। मतलब मुंह में पानी लेके आने वाला पिज्जा, पानी भी नहीं, सुनामी मुंह में लेके, मतलब पनीर मखनी पिज्जा बना दिया बिल्कुल। ये पानी भी नहीं आएगा मुंह में, मुंह में आएगा चीज भाई साहब, इतना चीज ही चीज हो रखा है इसमें। ये पहली बारी चीज मिला है चीज पुल वाला। सच्ची में तो तेरे वाला कितना लोडेड है, सारे पूरे लोडेड लोडेड है। चलो भाई चीयर्स। चीज में पुल भी बहुत ज्यादा और सब्जियां भी भाजपा बिल्कुल लोडेड है। इस पिज्जा की मुझे सबसे अच्छी बात और डिफरेंट बात ये लगी कि ये जूसी है, ब्रेड लगाई है उसकी वजह से जूसी है, किसकी वजह से जूसी है, पर ये सीरियसली जूसीनेस बहुत अच्छी लग रही है। ये जूसी इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैंने तंदूरी मेयो डाली है ना उसकी वजह से जूसी हाँ, है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। पिज्जा तो बना है एकदम गजब का, और वो सॉस भी अच्छी लग रही है। पहले देखने में लग रहा था कि वो सॉस स्वाद नहीं है, पर वो अच्छा लेवल कर रही है। वो सॉस ना मेरे ख्याल से वो कॉस्टली, वो सिर्फ पिज्जा सॉस है जो हम यूज करते हैं, सस्ती वाली वो पिज्जा पास्ता सॉस होती है। हाँ। उनके फ्लेवर में फर्क होता होगा। ये अच्छा लगा मुझे। तो इस वाले पिज्जा को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी है, और पुराने वाला पिज्जा मुझे ठीक ठीक लगा। हाँ। पर आदित्य ने जो बर्गर बनाया ना आज, मैं सच्ची में अभी भी बोलूंगा बर्गर ही था, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पे अगर मैं बोलूं तो था ये पिज्जा, और तीसरे नंबर पे था मेरे गोलगप्पे, दोनों बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा स्वाद सच में। और जो इसका फ्लैट ब्रेड वाला पिज्जा है ना वो अब पेट भर चुका है तो बनाएंगे नहीं। हाँ। उसको बनाएंगे हम OMG व्लॉग्स पे। तो भाई साहब जिस किसी ने भी OMG व्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ। ना जाके कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि वो वाला पिज्जा तो ना वहाँ पे रिव्यू मिलेगा। एंड इसी के साथ जो वीडियो वो करता है खत्म। अब आपको करना है रीति रिवाज फॉलो, आपने करना है वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों का शेयर, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दो यार, और घंटा भी दबा देना, घंटा दबा दो, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना हमको।